अगर मैं आपसे पूछूं कि इस साल WTC का फाइनल किन दो टीम्स के बीच खेला जाएगा, तो वो कौन सी दो टीम्स हैं जिनका नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आता है? अब आपके दिमाग में कौन से नाम है आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि एक छोटा सा गेस मैं लगाता हूं, मेरे हिसाब से WTC की दो फाइनलिस्ट टीमें, आपके मन में दो टीम्स का नाम जरूर आएगा, एक है टीम इंडिया और दूसरी है ऑस्ट्रेलिया की टीम। इन्हीं दोनों टीम्स के बीच लास्ट टाइम भी WTC का फाइनल मैच खेला गया था और सारे फैंस को उम्मीद है कि इस साल भी WTC का फाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। इस टाइम अगर आप WTC की पॉइंट टेबल देखें तो वहां पर भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉप टू में मौजूद है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस साल WTC का फाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच नहीं बल्कि इंडिया और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? वेल, अगर यह सवाल आप एक हफ्ते पहले पूछते तो शायद जवाब कुछ और होता, लेकिन एक हफ्ते के अंदर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पूरी कहानी बदल चुकी है। सबसे पहले चिपॉक टेस्ट में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 280 रन से हराया और इसी जीत के साथ अब टीम इंडिया का WTC फाइनल जाना लगभग कंफर्म हो चुका है। इसके बाद एक और मैच चल रहा था गोल के मैदान पे, गोल टेस्ट में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 63 रन से हराया और इसी के साथ अब श्रीलंका की टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पे आ चुकी है। और अब सवाल यह है कि क्या सच में WTC फाइनल इंडिया और श्रीलंका के बीच हो सकता है? अब अगर मैं आपको पॉइंट्स टेबल के बारे में बताऊं तो सबसे ऊपर है टीम इंडिया जिनका विन परसेंटेज है 71 का, दूसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया की टीम जिनका परसेंटेज 62 है, श्रीलंका की टीम तीसरे नंबर पे है 50% के साथ, चौथे नंबर पे है न्यूजीलैंड की टीम 42% के साथ, पांचवें नंबर पे है इंग्लैंड की टीम 42% के साथ, इसके बाद बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की टीम है। यानी कि अगर आप टॉप थ्री देखें तो सबसे ऊपर इंडिया की टीम है, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया की टीम है और तीसरे नंबर पे है श्रीलंका का नाम। इसके अलावा अगर मैं आपको क्वालिफिकेशन सिनेरियोस बताऊं तो श्रीलंका का जो सिनेरियो है वो ऑस्ट्रेलिया से काफी आसान नजर आता है। अब श्रीलंका को अगर फाइनल खेलना है तो बड़ा छोटा सा काम करना है, 5 में से 4 मैच जीतने हैं, यानी श्रीलंका के जो अगले 5 मैचेस हैं उसमें से उन्हें सिर्फ और सिर्फ 4 मैचेस जीतने हैं। अब एक मैच उन्हें खेलना है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपने ही घर पर जो करंट सीरीज चल रही है, 2 मैच उनको खेलने हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में जाकर, और फिर 2 मैच खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक बार फिर अपने घर पर। और हम सब जानते हैं कि श्रीलंका की टीम जब अपने घर पे खेलती है तो एक बहुत अच्छी टीम है, न्यूजीलैंड को हरा चुके हैं और आप उम्मीद करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकते हैं। हाँ, एक छोटी सी दिक्कत आ सकती है जब वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जाकर खेलेंगे, अगर कहीं वहां 2 में से कोई एक भी मैच जीत गई तो श्रीलंका की टीम फाइनल में जा सकती है। अब जितने सिनेरियो श्रीलंका के आसान है उतने ही मुश्किल ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम को इंडिया के अगेंस्ट खेलनी है 5 मैच की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, और आप नहीं उम्मीद करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को 5 मैचेस हरा दे। हम सब जानते हैं कि पिछली 2 सीरीज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराई है 2-1 से, तो आप उम्मीद करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया कम से कम 2 या 3 मैचेस तो इंडिया के अगेंस्ट ड्रॉप करेगी, और फिर 2 मैच आप श्रीलंका के अगेंस्ट खेलेंगे, वो भी आपको सब कॉन्टिनेंट में खेलने, और श्रीलंका की टीम अपने घर पे कितनी डेंजरस टीम है हम सब जानते हैं। तो सिनेरियो सारे यही कहते हैं कि इंडिया और श्रीलंका का WTC फाइनल सिर्फ एक ड्रीम नहीं है, ये रियलिटी भी बन सकता है। वेल, अगर पिछले 2 WTC एडिशंस की बात करें तो 2023 में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने 209 रन से हराया था, 2021 में भी यही हुआ था जब न्यूजीलैंड की टीम ने इंडिया को 8 विकेट से हराया था और इंडिया का WTC जीतने का सपना 2 बार टूट चुका था। इसके बाद अगर श्रीलंका की बात करें तो इस टाइम बहुत अच्छी फॉर्म में है। हाँ, वो अलग बात है कि अब तक WTC का फाइनल नहीं खेल पाई है, लेकिन अगर श्रीलंका इसी तरह से खेलती है, न्यूजीलैंड को हराती है, ऑस्ट्रेलिया को हराती है और कहीं अगर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक आध मैच भी जीत जाती है तो इंडिया और श्रीलंका के बीच हो सकता है WTC 2024 का फाइनल मैच। वेल, आप बताइए आपको क्या लगता है किस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल की या इंडिया और श्रीलंका फाइनल की? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।